हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे 8 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी चीजें जरूरी थी वो हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर करी है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जो हैं G20 नेशंस को कवर कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कंट्री, कैपिटल, करेंसी और यहाँ के लीडर। तो G20 नेशंस की हमारी आज की कंट्री है रशिया, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की जो ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है वो है रशियन। दोस्तों, अभी व्लादिमीर पुतिन जो है वो अभी ऐसा वहाँ के संसद में पारित हुआ है कि और 10 साल जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। 10 साल उन्हें हो चुके हैं, 2 टर्म वो पूरे कर चुके हैं, उसके बाद अब वो और 10 साल के लिए वहां के प्रेसिडेंट बने रहे। इसके लिए वहां पे एक विधेयक पारित किया जा चुका है। उनका जो झंडा है वो ट्राई कलर है, व्हाइट, ब्लू और रेड। तो चलिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो टेड्रॉस है, टेड्रॉस एधेनोम, जिनकी आप एक साइड में देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों फाउंडर थे महाराजा गुलाब सिंह। हाल ही में उनका कोरोनेशन डे था कुछ दिन पहले। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो फाउंडर रहे हैं वो है महाराजा गुलाब सिंह। इंडियन जो सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री है, उसने दोस्तों एक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट शुरू करी है, जिसमें जो है अलग अलग कंट्रीज को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो थ्रू कार्गो प्लेन्स जो हैं। तो वो एक उनका मिशन है जिसको लाइफलाइन उड़ान के कहा गया है। और अभी तक दोस्तों कम से कम 240 टन जो है मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो इस कार्गो लाइफलाइन से जो है, कार्गो प्लेन से जो है वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और आज की बात करें तो 39.3 टन मेडिकल सप्लाई जो है वो एक दिन में की गई है, सबसे ज्यादा। SBI ने दोस्तों अपना MCLR जो है वो कट करके 7.40 कर दिया है 7.75 से। अगर हम MCLR की बात करें तो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बेस्ड लैंडिंग रेट्स। कि दोस्तों ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे जो है बैंक का जो है वो कर्ज देने का रेट होता है या लैंडिंग रेट जो होता है वो डिसाइड होता है। RBI दोस्तों MCLR से रेगुलेट करता है बैंक का लैंडिंग रेट। अगर RBI अपना लैंडिंग रेट कम करता है तो बैंक किस हिसाब से अपना लैंडिंग रेट कम करें, या जब RBI अपना लैंडिंग रेट बढ़ाए तो बैंक किस हिसाब से उसको बढ़ाए, तो ये फॉर्मूला जो है वो उसे MCLR कहते हैं। जो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रिया में, वो दोस्तों रवीश कुमार जी हैं, वो नियुक्त हुए हैं। और ये सबसे यंगेस्ट स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। तो रवीश कुमार जी को जो है वो इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है ऑस्ट्रिया के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 8 तारीख की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलके और अच्छा करंट अफेयर पर वर्क कर सकें, इसलिए आप जुड़िए हमसे और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको और क्या चाहिए। तो दोस्तों आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू।